क्या आप भी चाहते हो भी सेम मार्केट जैसा लोगो बनाने के लिए, तो हमारे वीडियो में बने रहना और वीडियो को मिस मत करना। अगर आप न्यू हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो हाँ गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस पूरा लोगो में बना के और अपनी फोटो में ऐड करके दिखाऊंगा कैसे आप ऐड कर सकते हो और कैसे नहीं। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स गो। तो ये चलते हैं बिजनेस मार्केट जैसा लोगो बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, प्ले स्टोर से पिक्सार्ट ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ऐसे मैंने डाउनलोड किया है तो ओपन कर लेते हैं पिक्सार्ट को। और क्या करना, प्लस का पे क्लिक कर लेनी है और क्लिक करने के बाद थोड़ा स्लाइड करना है आपको, यहीं पे आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। यहाँ पे देखो व्हाइट कलर का आपको बैकग्राउंड ले लेनी है, ठीक है। तो वैसे हमारा जो बैकग्राउंड ओपन हो चुका है पिक्सार्ट के अंदर, तो करने क्या है आपको जाना है ड्रा टूल में। तो चलते हैं ड्रा टूल में, और ड्रा टूल में जाने के बाद क्या करना है, तो गाइस ड्रा टूल में आने के बाद आपको इस सर्कल पे क्लिक करना है। और क्लिक करने पे क्या करना है आपको, ये वाली जो है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और स्लाइड करना है और यहाँ पे फिल पे क्लिक कर देनी है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ से ऐसे करके लंबा घिस देना है, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ और ऐसे करके आपको घुमा देनी है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से मैं घुमा लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे सेंटर मिला लेना अच्छे तरीके से। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ और यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे डन कर लेंगे। और फिर से सर्कल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से इस पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। और फिर से यहाँ पे ऐसे लंबा खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे घुमा देंगे। तो कैसे देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो है हो चुका है, और यहाँ पे ऐसे करके सेट कर लेंगे, थोड़ा साइज को बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा कुछ इस प्रकार के, उसके यहाँ पे डन कर लेंगे। और क्या करेंगे, फिर से सर्कल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको ये वाली पे क्लिक करके और यहाँ पे ओके कर देनी है। और यहाँ पे एक ऐसे लाइनिंग बना लेनी है और यहाँ थोड़ा पतला कर लेंगे और ऐसे करके घुमा देंगे, और ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके लगा देनी है। और थोड़ा साइज को फिर से कोई पतला कर लूँगा, तो फिर से ऐसे करके बना देनी है। तो वैसे आप देख सकते हो थोड़ी मैं लाइन यहाँ बड़ा कर लेता हूँ, तो वैसे आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है। तो यहाँ से कर लेते हैं आप डन। तो आपका कोई भी आपका चैनल का नाम होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऐसे मैंने मेरा चैनल का नाम है SB Edit, तो हम यहाँ पे अपने SB Edit लिख लेते हैं। तो चलते हैं टेक्स्ट में, टेक्स्ट में जाने में क्या करना है आपको, यहाँ पे SB Edit लिख लेनी है। तो SB Edit मैं लिखूँगा, आपका जो चैनल का नाम होगा वही लिखना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SB Edit। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद गाइस आप देख सकते हो अब यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ ब्लैक कलर यहाँ पे लेकर हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो पहले इसको मैं हटा देता हूँ और थोड़ा मैं साइज़ को छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको सेट कर देनी है, यहाँ पे बहुत सारा आपको फ्रंट मिल जाएंगे। तो फ्रंट पे क्लिक करते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे फ्रंट है, सिंपल रखना है या जो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं गाइस कौन सा बेस्ट लग रहा है। ये वाली जो अच्छा लग रही है गाइस, देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है। तो SB Edit यहाँ पे सेटअप हो चुका है और यहाँ पे कर लेते हैं कुछ इस तरीके। तो यहाँ पे कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे ड्रा टूल में जाकर सेव कर लेनी है अपनी ये लोगो को। यहाँ पे प्रिंट आउट पे क्लिक करना है, सेव इमेज पे क्लिक करके और सेट कर लेनी है। और चलते हैं आपको बताते हैं कैसे आपको फोटो पे लगानी है। तो यहाँ से करना है ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ पे अपने लोगो को ले लेता हूँ। उसके लिए क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे जाना है ब्रांडिंग मोड में और यहाँ से मल्टीप्ले पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कर देनी है। अब देखो तो हमारा लोगो है मैटी है PNG बन चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं सेट। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छा लोगो बन चुका है, एकदम बिल्कुल एकदम HD है, एकदम बिल्कुल नहीं फटने वाला। तो यहाँ से कर लेते हैं सेट। तो हमारा जो लोगो है अच्छे तरीके से सेट हो चुका है और लोगो बन भी गया है। तो गाइस आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो गाइस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना, और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस बाय बाय।